हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। अभी जो आपका स्केड्यूल है वही स्केड्यूल होगा, बस मैं एक सूचना देने के लिए यहाँ पर हूँ कि 25 तारीख को FTR मेगा टेस्ट जो कि 2 फरवरी को होने वाला है, उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख ही है। रात के 12 बजे तक आप इसके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारे वेबसाइट www.competitioncommunity.com पे आप जाएं, वहाँ पे आप लॉगिन करें और उसके पश्चात आप 2 फरवरी को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से टेस्ट वहाँ पर दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी के फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स के थर्ड वीडियो में, जिसमें हम डीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से HIV का कौन सा प्रभेद या उप प्रकार जो है भारत में प्रभावी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HIV वायरस जो है वो एक्चुअली में है कौन सा वायरस। तो HIV वायरस, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और ये वायरस क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एड्स, और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रभेद या उप प्रकार जो है वो भारत में प्रभावी है। तो HIV वायरस के 9 उप प्रकार देखे गए हैं। तो इन 9 उप प्रकारों में जो उप प्रकार भारत में प्रभावी है वो है HIV का 1C, मतलब जो सी प्रभेद है वो भारत में प्रभावी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है HIV 1C। ये जो प्रभेद है HIV वायरस का, ये भारत में प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन किस वर्ष में घोषित किया गया। तो ऑप्शंस हैं 1977, 1980, 1996, 2008। तो विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था 1980 में। जो चेचक है वो डिसीज़ जो है वो वेरियोला वायरस के थ्रू होता है, और ये जो चेचक है स्मॉल पॉक्स, इसी से स्टार्ट हुआ था सबसे पहला वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के जो जनक हैं, ठीक है, या जो वैक्सीनेशन के जनक या टीकाकरण के जनक जो हैं वो कहलाते हैं एडवर्ड जेनर। मतलब विश्व से जो चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित किया गया था, और इसी में एक ऑप्शन दिया गया है 1977। तो 1977 वह वर्ष है जब भारत से या भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। विश्व को कब घोषित किया गया था, 1980 में, और भारत को कब घोषित किया गया, थोड़े कुछ वर्ष पहले, मतलब 1977 में। क्वेश्चन नंबर 3, इबोला है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस है, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, विषाणु है। तो इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस या विषाणु होता है, ओके। और ये जो विषाणु है, 2014 में जो इबोला डिसीज़ है या जो इबोला रोग है उसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया था, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैला था। तो इबोला जो है वो एक प्रकार का विषाणु है जो कि एक रोग कॉज करता है, इबोला। और ये जो इबोला है 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया था। इबोला जो है सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1976 में, और इबोला जो नाम पड़ा है वो एक रिवर के नाम पर रखा गया है या एक नदी के नाम पर रखा गया है। और ये नदी जो है ये कहाँ पे है, ये है साउथ अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका में ये नदी पड़ती है। और 1976 में सबसे पहले इबोला जो है वो डिटेक्ट किया गया था, और इबोला नाम जो है वो एक नदी पर रखी गई है, और यह नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है विषाणु, मतलब इबोला जो है वो एक विषाणु जनित रोग है।
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, डीबीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। जो डीबीटी वैक्सीनेशन है या जो डीबीटी का टीका है वो नाम ही डिसीज के ऊपर रखा गया है, तो आइए इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं। डी से होता है डिफ्थेरिया, पी से होता है पर्ट्यूसिस, मतलब इसे हम वूफिंग कफ भी कह सकते हैं या काली खांसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है टीटनेस। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, जो ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं वो है सबसे पहला डिफ्थेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है वूफिंग कफ या काली खांसी और चौथा है टिटनस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीटी का फुल फॉर्म ही है डिफ्थेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, तो ऑप्शन नंबर ए डिफ्थेरिया के लिए ये दिया जाता है, सी के लिए वूफिंग कफ या काली खांसी के लिए भी होता है और ऑप्शन नंबर डी टिटनस के लिए भी होता है। तो बचा जो हमारा ऑप्शन है दैट इज पोलियो, मतलब जो डीपीटी है वो पोलियो के लिए नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पोलियो। क्वेश्चन नंबर 5, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है, मतलब बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं टिटनस, ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग जिसे हम ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी भी कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है निमोनिया, ऑप्शन नंबर डी जो है वो है काली खांसी। तो बीसीजी का जो टीका होता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीसीजी जो होता है वो है बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। तो ये जो टीका होता है बीसीजी का, ये लगाया जाता है टीबी के लिए या क्षय रोग जिसे हम ट्यूबर क्यूलोसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है टीबी इज द करेक्ट आंसर, मतलब बीसीजी का जो टीका है या बीसीजी वैक्सीनेशन जो है वो टीबी से बचने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, WBC में कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है रक्त का स्कंदन नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी है रुमेटी हृदय रोग और ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का स्कंदन नहीं होता, मतलब हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार का क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है। तो इस विकार में होता क्या है कि यहाँ पे जो मनुष्य इस रोग से ग्रसित होता है इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, मतलब अगर किसी भी प्रकार का चोट लग जाए तो रक्त जो है वो कंटिन्यू बहता ही रहता है, उसमें रक्त का स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है। और ये जो हीमोफीलिया है इसे हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। ब्लीडर्स डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रोगी होता है उसमें ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू होती ही रहती है, रक्त का स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, इसलिए इसे ब्लीडर्स डिसीज कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे रॉयल डिसीज कहते हैं। इसे रॉयल डिसीज इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जहाँ पर ये देखा गया था वो देखा गया था इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में, और लगभग उनकी वो जो फैमिली थी रॉयल फैमिली वहाँ पे जितने भी मेल्स थे वो सभी मोस्ट ऑफ द मेल जो थे वो सभी के सभी क्या थे, हीमोफीलिया से ग्रसित थे, इसीलिए इस डिसीज़ को रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है थैलेसीमिया के रोगियों में निम्नलिखित का संश्लेषण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी इज हार्मोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन के। तो थैलेसीमिया के जो रोगी होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। जो थैलेसीमिया है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, कहने का मतलब ये है कि ये भी एक प्रकार का आनुवांशिक विकार होता है।
जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता, मतलब इन रोगियों में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस या हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता। तो जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया ही था कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, रक्त को लाल कलर या रेड कलर प्रोवाइड करता है, और ये RBC का सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है। और यही जो हीमोग्लोबिन है ये गैसीय परिवहन, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनमें किस चीज़ का सिंथेसिस नहीं हो पाता, तो थैलेसीमिया के रोगियों में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो अगर जोड़ों में या जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगे, यूरिक अम्ल का जमाव होने लगे, तो वो कौन से रोग को उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं गठिया रोग, जिसे आर्थराइटिस भी कहा जाता है, और इसी गठिया रोग को गाउट भी कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है बुलेमिया, थर्ड ऑप्शन है मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बेरी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा गठिया रोग, मतलब गठिया रोग, गाउट या आर्थराइटिस जो है वो उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि इन रोगियों में, इनके जोड़ों में क्या होता है, यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण गाउट, गठिया या आर्थराइटिस जो है वो उत्पन्न होता है। इनमें जो अन्य डिसीज दिए हुए हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं या इनका कॉज क्या होता है, आइए हम वो भी देख लेते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि गठिया जो है, गाउट या अर्थराइटिस जो है, वो यूरिक एसिड के डिपोजिशन के कारण, और वो भी जॉइंट्स में जब वो डिपॉजिट होते हैं, तो वो गाउट या गठिया रोग में क्या करते हैं, कॉज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बुलेमिया। ये जो बुलेमिया है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार होता है। मतलब बुलेमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो कम समय में अधिक से अधिक भोजन करने में सक्षम होते हैं, या वो अधिक से अधिक भोजन जो है वो बहुत ही कम समय में ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार का देखा गया है कि जो बुलेमिया होता है वो एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट जो है मधुमेह है, डायबिटीज़ जो है दो प्रकार के होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बेरी, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में कि जो बेरी होता है ये विटामिन B1 की अल्पता या डिफिशियंसी से होता है। तो विटामिन B1 की अल्पता या डिफिशियंसी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, वो होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है, कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है, मतलब कैडमियम जो है उसकी टॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है। तो कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है इटाई रोग, मतलब इटाई जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से। मतलब कैडमियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या होगा, वो होगा इटाई रोग। इनमें कुछ अन्य ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आइए देखते हैं कि वो किन कारणों से होते हैं। एक ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन, वो है मिनी माता। तो मिनी माता जो रोग है वो होता है मर्क्यूरी या पारा की टॉक्सिसिटी से, मतलब मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी से क्या होगा, वो होता है मिनी माता रोग। स्कर्वी जो है, हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि ये जो स्कर्वी होता है ये होता है विटामिन सी की अल्पता या डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है रिकेट्स जो है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से या अल्पता से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और यही विटामिन डी की अल्पता या डिफिशियंसी से एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टेन, गोल्डन आवर चिकित्सकीय भाषा का संबंध निम्न में से किससे है। मतलब एक शब्द है जो कि मेडिकल टर्म है या चिकित्सकीय भाषा है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हमने क्या कहा, गोल्डन आवर। तो ये गोल्डन आवर जो है
उसका रिलेशन किस चीज़ से है जो कि ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वास्तव में बच्चों के जन्म लेने से। ऑप्शन नंबर बी है हृदयघात से मतलब हार्ट अटैक से। ऑप्शन नंबर सी है गर्भ में शिशु की जानकारी से, गर्भ में शिशु की जानकारी से। ऑप्शन नंबर डी इज कैंसर के अंतिम चरण से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन हृदयघात से। ये जो गोल्डन आवर है ये टर्म रिलेटेड किससे है, तो ये है हार्ट अटैक से। जब किसी मनुष्य को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक आने के बाद जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर जो होता है वन आवर हृदयघात आने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर। मतलब गोल्डन आवर वो एक टर्म है जब हार्ट अटैक आता है किसी को, तो वो जो पहला घंटा होता है उसे ही हमने क्या नाम दिया है, गोल्डन आवर नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, अल्जाइमर रोग में मानव में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर जो रोग है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो अल्जाइमर रोग है इसमें मनुष्यों में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें प्रभावित होता है मनुष्य का ब्रेन या मस्तिष्क। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अल्जाइमर रोग में मानवों में कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, तो वो होता है मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में क्या होता है कि जो रोगी होता है अल्जाइमर का, उसकी स्मरण शक्ति जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत ही क्षीण हो जाती है। कुछ सेकेंड्स पहले ही जो मोमेंट हुआ होगा वो जो रोगी होता है उसे वो भी याद नहीं होता। इसीलिए अल्जाइमर डिसीज या जो अल्जाइमर के रोगी होते हैं उनमें स्मरण शक्ति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए अल्जाइमर डिसीज में या अल्जाइमर के रोगियों में जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि इन एलिमेंट्स में किसका उपयोग जो है वो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट या उपचार के लिए किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 के साथ साथ जो हमारा एक और एलिमेंट होता है वो है फॉस्फोरस 32। ये जो है ये यूज़ होता है किसके लिए, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 और फॉस्फोरस 32 उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें कुछ अन्य ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो कब कब और किन चीज़ों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज सोडियम 24। ये जो सोडियम 24 है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र है उसमें कहीं भी रक्त का जमाव या स्कंदन ना हुआ हो तो उसे पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का उपयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के जमाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आर्सेनिक 74। तो ये जो आर्सेनिक 74 है ये यूज़ किया जाता है या इसका उपयोग तब किया जाता है कि जब हमें ये पता लगाना हो कि शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का ट्यूमर डेवलप तो नहीं हुआ। मतलब ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आर्सेनिक 74 का। ऑप्शन नंबर डी है कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो फॉसिल फ्यूल्स या जीव जंतुओं के अवशेषों का एज पता लगाने के लिए या वो कितने पुराने हैं उनका पता लगाने के लिए हम कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं कार्बन 14। और ये जो टेक्निक होती है इसे हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। ओके, तो हमने ये देखा कि सोडियम 24 जो है वो परिसंचरण तंत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार का रक्त का जमाव हुआ तो नहीं है, इसे पता लगाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सोडियम 24। कोबाल्ट 60 जो होता है वो रक्त कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो कोबाल्ट 60 के साथ साथ हम फॉस्फोरस 32 भी यूज़ करते हैं। तो अगर कोबाल्ट 60 की जगह फॉस्फोरस 32 ऑप्शन में रहेगा तो फॉस्फोरस 32 विल बी द करेक्ट आंसर।
आर्सेनिक 74 किसी भी प्रकार का ट्यूमर तो नहीं है कहीं, तो उसे पता लगाने के लिए हम आर्सेनिक 74 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज कार्बन 14, तो किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल हो, मतलब जीव जंतुओं का अवशेष हो, तो उनका एज पता लगाने के लिए हमने यूज़ किया कार्बन 14, और इस टेक्निक को हम नाम देते हैं कार्बन 14 डेटिंग। ओके, ऑन्कोजीन नामक जीन किस रोग से संबंधित है, मतलब ऑन्कोजीन जो है वो जो जीन है वो किस रोग से संबंधित होता है, तो वो होता है कर्क रोग से संबंधित, मतलब कैंसर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑन्कोजीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 13th क्वेश्चन का आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कर्क रोग या कैंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है, मतलब इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें हमें ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो डिसीज है वो आनुवांशिक विकार है या जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम, मलेरिया, सेकंड है डाउन सिंड्रोम, थर्ड है हमारा टर्नर सिंड्रोम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी, मतलब डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है वो दोनों ही जो है वो आनुवांशिक विकार है या जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। आइए हम ये देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, हम सभी जानते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़ियां जो होती हैं वो गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की पाई जाती हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मनुष्यों में या ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वीं जोड़ी होती है 21st पेयर होता है उसमें क्या होता है, उसमें त्रिगुण सूत्रता हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, मतलब पेयर में प्रेजेंट हैं, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या है 21 है, यहाँ पे क्या होता है इसकी त्रिगुण सूत्रता हो जाती है, मतलब दो के बजाय 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस विकार के कारण या इस एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण मनुष्यों में जो विकार उत्पन्न होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि टर्नर सिंड्रोम, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है या जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बींग्स में वो होता है 23rd पेयर। तो इस 23rd पेयर में जो एक्स क्रोमोसोम होता है एक, वो क्या होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल 46 की जगह 45 क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा एक फॉर्मूला लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स 44 प्लस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम था वो क्या था, वो वहाँ पे नलीफाई हो गया था, वो प्रेजेंट नहीं है। और टर्नर सिंड्रोम से जो एफेक्टेड होते हैं या प्रभावित होते हैं वो स्त्रियाँ होती हैं। ओके, तो हमने देखा कि डाउन सिंड्रोम क्या था, 21st पेयर में क्या होता है या 21वीं जोड़ी में त्रिगुण सूत्रता पाई जाती है, दो के बजाय 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम। वहीं टर्नर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं या जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो एक्स क्रोमोसोम के बजाय 23rd पेयर जो है लिंग गुणसूत्र उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 44 प्लस एक्स, और 46 की बजाय टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ 45 होते हैं। तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इनसे प्रभावित कौन होते हैं, स्त्री या पुरुष, तो इनसे प्रभावित जो होती हैं वो होती हैं स्त्रियां। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम दोनों ही जो है वो एक प्रकार के आनुवांशिक विकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है हमारा गोल क्रीमी नीमेटोड्स से होने वाले रोग, मतलब निम्नलिखित में जो रोग दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें हमें ये बताना है कि नीमेटोड जो है वो कौन सा रोग कॉज करता है। तो ये जो नीमेटोड्स हैं कौन सा कॉज करता है, तो वो कॉज करता है फाइलेरिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो फाइलेरिया है ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है फाइलेरियासिस, इसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हाथी पांव।
तो फाइलेरिया जो है ये क्या होता है, ये एक प्रकार का निमेटोड है या ये डिसीज कॉज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस। और ये जो निमेटोड है इसे, इसका नाम जो है वो है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फाइलेरियासिस या फाइलेरिया। ओके, तो ये हुआ डिसीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट एफटीआर वीडियो में फिर से मिलेंगे, दैट विल बी द 4th एफटीआर वीडियो फॉर बायोलॉजी, और उसमें भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।